हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द लेसन 6. ओके, द लेसन नेम इज बेड टाइम. इन अ बेड टाइम द फर्स्ट इज गिवन, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फ्रॉम द पोएम. ओके, आपको राइमिंग वर्ड लिखना है पोएम से. ओके, देन फर्स्ट वन इज गिवन मोर. राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड ऐसा वर्ड होते हैं जिसको आप प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं तो उसी तरह के लास्ट में आवाज़ आती है, या उसी तरह का जो हमारी वॉइस होती है उसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज गिवन मोर, देन द राइमिंग वर्ड फॉर दिस इज फ्लोर. ओके, मोर देन राइमिंग वर्ड फॉर दिस फ्लोर मीन्स लास्ट में एक सेम जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना, तो इसी को बोलते हैं हम राइमिंग. ओके, देन सेकेंड वन इज गिवन बुक, देन राइमिंग वर्ड फॉर दिस लुक. ओके, थर्ड वन इज गिवन बिगन, द राइमिंग वर्ड फॉर दिस वन, बिगन वन. ओके, फोर्थ वन इज फोर, द राइमिंग वर्ड फॉर दिस मोर. ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. सेकेंड बी, व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग एट बेड टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, मीन्स बच्चे जो हैं इसमें क्या कर रहे हैं. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. सेकेंड बी, बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन द फ्लोर. ओके, बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन द फ्लोर. इन फर्स्ट यू हैव टू फिल कैस्टल एंड फ्लोर. ओके, सेकेंड रीडिंग ए स्टोरी इन ए बुक. इन अ सेकेंड यू हैव टू फिल स्टोरी इन ए बुक. ओके, थर्ड वन इज गिवेन फिनिशिंग ए बीट चैन. ओके, इन अ थर्ड नंबर यू हैव टू फिल बीट. फोर्थ नंबर फिनिशिंग ए गेम दैट दे हैव बिगन. ओके, इन अ फोर्थ नंबर यू हैव टू फिल गेम. ओके, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, हियर क्वेश्चन नंबर वन, इज द पोएट राइटिंग अबाउट चिल्ड्रेन आर ग्रो अप, हाउ डू यू नो. मीन्स क्या जो पोएट है वो चिल्ड्रेन के बारे में बता रहा है? यस, अगर बता रहा तो आप इसे किस कैसे जानते हैं? द आंसर इज यस, द पोएट इज राइटिंग अबाउट द चिल्ड्रेन. ओके, जो पोएट है वो बच्चों के बारे में लिख रहा है, बता रहा है. ओके, वी नो बिकॉज, हम जानते हैं क्योंकि इन दिस पोएम डिफरेंट चिल्ड्रेन आर डूइंग डिफरेंट वर्क. ओके, इस पोएम में जितने भी कई तरह के बच्चे हैं जो कि कई तरह का टास्क पूरा कर रहे हैं, कई तरह का काम पूरा कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, लेट मी स्टे 5 मिनट्स मोर, व्हाट डज स्टे मीन हियर. मीन्स लेट मी स्टे 5 मिनट्स मीन्स 5 मिनट रुकिए, रुको. What does stay mean? Stay का मतलब क्या है? Answer is stay out of bed. Okay? The answer is stay out of bed. Question number 3. What is the poem about? Means ये जो poem है किस बारे में है? Answer, finishing different things the children are doing. Okay? Poem, ये जो पोएम है वो क्या है, जो डिफरेंट तरह के बच्चे हैं कि वो हर एक तरह का डिफरेंट तरह के कार्य को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, या मतलब डिफरेंट तरह का काम कर रहे हैं. ओके, नाउ एट लास्ट डी, व्हाट डज वन नीड टू बिफोर गोइंग टू बेड. मैच, आपको मैच कराने हैं कि आप बेड पर सोने से पहले आप क्या करते हैं. फर्स्ट फिनिश, आपको सोने से पहले क्या करना होता है, फिनिश होमवर्क. ओके, फर्स्ट मैच टू द होमवर्क. ओके, सेकेंड हैव डिनर, आपको डिनर भी ख़त्म करना होता है सोने से पहले. ओके, थर्ड वन इज गिवन ब्रश, ब्रश योर टीथ, सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, दांत को साफ करते हैं ना, तो इससे क्या करेंगे, इससे मैच कराएंगे टीथ से. ओके, एंड फोर्थ वन इज गिवन पुट ऑन नाइट क्लॉथेस. ओके, रात को सोने के लिए एक अलग सी ड्रेस होती है, ठीक है, हम लोग रात को सोने के लिए नाइट क्लॉथेस पहनते हैं. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.